आपका क्वेश्चन है, अ एरोप्लेन लेफ्ट 15 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 250 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या है हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड 1250 किलोमीटर, उसको जाना ही है, ही हैज टू गो। ठीक है, अब आपका स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, कितना स्पीड था अगर उसका यूजुअल यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, तो वी आर नॉट नोइंग, तो हम इसको ले लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम जब ये ओरिजिनल स्पीड में चल रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट इज टेकिंग सम टाइम, सम टाइम। ठीक है, वही हम चीज लिखते हैं, सेम चीज लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1250 बाई एक्स इज वन टाइम, मीन्स दिस इज हिज यूजुअल टाइम। नेक्स्ट, इन सेकेंड केस मीन्स इन दिस केस, अब उसने क्या किया, अपना स्पीड क्या किया, उसने इंक्रीज किया, दैट मीन्स डिस्टेंस इज सेम 1250 बाई एक्स प्लस 250। ठीक है, तो इसने सेम इंक्रीज किया, लेकिन क्या करने के लिए किया, उसने उसने क्या किया, 15 मिनट्स लेटर था, वो देर थी, लेस था, उसको कवर करने के लिए उसने ये स्पीड किया। ठीक है, जब ये स्पीड लेगा तो कितना, 50 मिनट्स पहले पहुंच गया, नहीं 50 मिनट्स पहले तो देर में था ना, अब 50 मिनट्स पहले पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, आप मुझे यहां पर बताओगे कि हम इसको इंक्रीज करेंगे स्पीड या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, बताओ, तो क्या करेंगे बताओ, x प्लस 250 अगर उसने स्पीड लिया, इंक्रीज किया ना स्पीड, तो उसको टाइम कितना लगा, कम लगा, कितना कम लगा, 50 मिनट्स, उसको टाइम कम लगा, तो कम टाइम कम हो गया, तो टाइम बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 50 मिनट्स, प्लस 50 मिनट्स, तो इसको आवर्स में चेंज करोगे मिनट्स को, तो क्या हो जाएगा, बाय 60, तो 5/6। ठीक है, इस वैल्यू को इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1250 बाई एक्स माइनस 1250 बाई एक्स प्लस 250, दैट इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा x इंटू एक्स प्लस 250, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1250 और यहां पर कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 250 माइनस 1250 x, दैट इज इक्वल टू 5/6। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 1250 x प्लस 1250 इंटू 250 माइनस 1250 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इज इक्वल टू 5/6। तो 1250 एक्स प्लस, और यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस
250 into 5 is 1250x is equal to, इसको 6 के साथ और मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ जाएगा 1250 into 250 into 6. ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन है 5 के साथ, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सबको 5 के साथ. ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आएगा, हमारा इक्वेशन निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 1250 को 5 से डिवाइड करो, आपका आ जाएगा 250x. इस सबको 1 इधर लेकर आओ तो हमारा आ जाएगा माइनस 5 के साथ डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा 250 into 6 is equal to 0. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x square plus 250x minus 25 into 25 is 625. कितना होता है, into 6 30, 3 carry 12, 15, 1 carry 36, 37, 3750. तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3750 और ये 2 zeros, that is equal to 0. ठीक है, तो अब हम इसके factors निकालेंगे जो हमारा 250 आना चाहिए. तो हमारे जो factors होंगे वो क्या क्या factors होंगे देखते हैं. क्या है हमारा 575000. नेक्स्ट 5 से फिर से निकालो 15000. नेक्स्ट 5 से फिर निकालो तो आपका क्या आएगा 3000. नेक्स्ट 3 से निकालो 1000. नेक्स्ट 2 से निकालो 500. नेक्स्ट 5 से निकालो 100. नेक्स्ट तो हमारा 250 आना चाहिए. 250 हमारा कैसे आएगा, तो 250 हमारा आने के लिए हम और क्या करेंगे, और फैक्टर्स निकालो इसके, तो हमारा आएगा 250, नेक्स्ट 5, 10, नेक्स्ट 2, 5. इन फैक्टर्स को प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 250 आएगा. कैसे आएगा, जस्ट चेक इट कि हमारा ये कैसे आएगा. अच्छे से ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा हमारा 5 5 25 25 into 5 is 125 125 into 3 is 375 375 into 2 375 into 10, है ना. तो हम एक बार जस्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है, 500 into हमारा क्या आ जाएगा 750. ठीक है, 500 into 750. तो 750 हमारा कैसे आया, हम कैसे भी लगा सकते हैं, 5 into 100, मेन है 5 into 100, इसमें से आप 10, ये 10 को छोड़ दोगे और बाकी को लेना शुरू करोगे तो आपको 500 into 750 आना ही चाहिए. ठीक है, तभी आपका ये फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि 750 माइनस 500 इज 250. तो हम क्या करेंगे, अब इसके टुकड़े करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500 माइनस 375000 इज इक्वल टू 0. तो x इज कॉमन, हमारा आ जाएगा x प्लस 750 माइनस 500 इज कॉमन,
हमारा आएगा x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया x प्लस 750 एंड दूसरा क्या आ गया हमारा x माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 750 और x इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या है माइनस में नहीं हो सकती, उसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है,